फरमा शाजी मेरी साहबा, मैं बड़ी खुशी से इस ऐवान को इस बिल के हवाले से ब्रीफ करूंगी और आपसे मैं एक और गुजारिश करूंगी कि इससे कबल भी सेनेट से पास किए गए कुछ बिल यहां आए थे जिनको एक सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था। सिलेक्ट कमेटी जो है उसमें वो मामला हल नहीं हुए, वो बिल दोबारा ऐवान में आए और लॉ कमेटी में गए, जिसमें से दो बिल ऐसे थे जिनको मैंने दस्तखत किए थे जब सेनेट से आए थे और मैंने वहां जाकर उन बिल्स पे बात की और वो बिल पास हुए। सर, तीन माह अगर असेंबली नहीं मिलती तो किसी मेंबर का कसूर नहीं है और एक ऐसा पीरियड है जो गुजर चुका है जिसके बाद अब वो बिल हमें ये बताया जाता है या नहीं आ सकते। सर, ये दुश्वारी होती है लॉ मेकर्स को। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि जहां मैं इस बिल पर आज बात करूंगी वो दो बिल्स हैं सर जो सोशल इश्यूज पर हैं, एक पैरामेडिक्स के हवाले से है स्कूल्स में कॉलेजेस में और दूसरा बिल पैटर्निटी और मैटर्निटी लीव के हवाले से, और दोनों बिल्स अक्सरियत राय से लॉ कमेटी ने पास किए थे। आपसे गुजारिश है कि उन बिल्स को भी लाया जाए, वो बहुत अहम बिल्स हैं। और सर एक बिल ईसीएल के हवाले से, एक इसकी डिटेल पहले आप प्लीज बता दें। मैं आपको सर लेबर यूनियन के हवाले से सर ये बता दें, और अहम बिल्स हैं उनको भी सर मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया लॉ मेकर्स अगर तीन माह असेंबली नहीं मिलती तो हमारा इसको भी मैं ले रहा हूँ तो आप जरा इसके बारे में बता दें। सर ये जो बिल है दिस इज अबाउट ये जी सर ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज एक्ट है 2008 का। जी मैं बात कर लूँ आप? जी आप। हाँ जी, तो ये सर इस बिल के अंदर एक अमेंडमेंट है जो सेनेट से आई है। सेनेटर ससी पलीजो साहिबा ने वहां पे बिल मूव किया, वहां पर ये बिल अपने प्रोसीजर के हिसाब से कमेटी में गया, कमेटी से पास हुआ और आज नेशनल असेंबली में ये बिल आया जिसको हम आपसे दरख्वास्त ये कर रहे हैं कि इसको कंसिडर किया जाए। सर इसके अंदर जो इसका सेक्शन 15 है जो अपॉइंटमेंट्स ऑफ इम्प्लॉयज है उसके अंदर सर ये अमेंडमेंट की दरख्वास्त की गई है और जो इम्प्लॉयज हैं पिप्स के उनके लिए कुछ मराद का इसमें जिक्र है जो कि इक्विवेलेंट होंगी नेशनल असेंबली और सेनेट के सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स के साथ जो इसमें दर्ज है। इसके साथ सर मैं एक और चीज आपसे दरख्वास्त करूंगी क्योंकि आप नेशनल असेंबली के इस फोरम को इस पर हेड कर रहे हैं। सर मुझे ये भी पता लगा है कि पिप्स के जो इम्प्लॉयज हैं उनका जो मेडिकल है वो नेशनल असेंबली के और सेनेट के ऑफिसर्स से बेहतर है, तो जहां इक्विवेलेंट करने की बात हो रही है वहां मैं चाहूंगी कि इसको किसी और मरहले पे देखकर तो नेशनल असेंबली के ऑफिसर्स सेनेट के ऑफिसर्स की भी जो मेडिकल है वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते उनके मेडिकल बोर्ड में, तो उनके लिए मैं दरख्वास्त करूंगी। लिहाजा आज ये पिप्स के हवाले से है और उन इम्प्लॉयज के बेहतर उनको बेहतर इंसेंटिव देने के लिए ये बिल लाया गया है ताकि उनकी कारकर्दगी बेहतर भी हो और वो अपने काम में इंकरेज हो। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि इस बिल को यहाँ पर कंसिडर करके पास किया। सर बहुत शुक्रिया, मिनिस्टर साहब ने फरमाया ये बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन इस बिल को इकट्ठे सपोर्ट कर रहे हैं। ये रेयर केस है सर क्योंकि अपोजिशन भी बहुत अच्छे बिल सेनेट से लाई है। मैं एक बार फिर कहूंगी मैं इंकरेज हुई थी जब उन्होंने कहा कि हमें लेजिस्लेशन को इंकरेज करना चाहिए, तो हमें लेजिस्लेशन को इतना इंकरेज करना चाहिए कि अगर तीन माह की छुट्टी हो और बिल लॉ कमेटी से पास होकर यहां आ सकते हैं तो आप कुछ रिलैक्सेशन करके हमारे जो मैटर्निटी पैटर्निटी लीव डे केयर सेंटर्स और पैरामेडिक्स इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स ये सारे अवामी बिल्स हैं इनको प्लीज ले आए, और ईसीएल का बिल सर ये सारे अवामी बिल्स हैं। मैं गुजारिश करूंगी कि उनको भी अपना बिल समझे, अपने बिल समझ के लेकर आए। सर मैं 62 अब पढ़ती हूँ। सर आई राइज टू मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज एक्ट 2008 द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज आइटम नंबर 61 पेश करें। बाद में मिलेगा जी आपको, थोड़ा सा काम कर लूँ पहले। जी आपको दे रहे हैं जी, एक दफा इसको कर रहे हैं ये जी आइटम नंबर 61। मोहतरमा शाजी अमरी साहबा आइटम नंबर 61 पेश करें। एक मिनट हौसला रखें जी, आपको दे रहे हैं। आई राइज टू मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज एक्ट 2008 द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट for parliamentary services amendment bill 2020 as passed by the senate be taken into consideration।